हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल है तो आपको सब्सक्राइब भी करना है शेयर भी करना है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरी वीडियोस को भी जाके यहाँ पर देखिए यहाँ पर आज की डेट में ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है चार्ट ऑफ द डे के नाम से ओके okay, यहाँ पर अगर हम देखें एक ऐसा एम का स्टॉक्स है जैसे कि एलका एल एम आईस बालोजी इसी तरीके से एक और माइक्रो कैप का है जो कि अगर बात करें चौबीस सौ चौबीस रुपये से यहाँ पर दो सौ चुम्बालीस रुपये तक यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दिया और इसी के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है और ऑलरेडी यहाँ पर फिफ्टी गिरावट हो चुकी है तो मैंने ज्यादा अपसाइड टारगेटेट्स नहीं दिखा है मैंने वही टारगेट दिखाया है जो यहाँ पर इसके फिफ्टी टू भी खाई है और ये डेफिनेटली यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि इसके जब आप फंडामेंटल्स देखेंगे स्टॉक्स के तो आप

रेडी रेडी टू रन है और यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न आपको देते हुए नजर आएंगे लगभग के यहाँ पर सोचिए मिलते नजर आएंगे as well as fundamentally share. Number one बात ये है है बात तो आइए एक-एक करके उन से पर जानकारी लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे उस कंपनी का नाम क्या है उस कंपनी का नाम की है जेसी एच एसी मतलब जॉनसन कंट्रोल हिटाची एयर कंडीशनर इंडिया लिमिटेड देखिए छोटी मोटी कंपनी नहीं है बाहर की कंपनी है बड़ी कंपनी है यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर ये यह कंपनी क्या बनाती हुई नजर आती है एयर कंडीशनर्स बनाती हुई नजर आती है एज एज वेल पर पर रेफ्रिजरेटर सिस्टम एंड ये अलग अलग चीजें बनाती हुई नजर आती है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ये चेलर हो गए ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है ना यहाँ पर घरों में तो यूज किए ही किए जाते हैं एज वेल एज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं अगर इनकी वेबसाइट पर एक बार आप जाके यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगी यहाँ पर दे रखो यहाँ पर वेबसाइट नहीं आ रही है कोई इशू नहीं है यहाँ पर इसके प्रोडक्ट

हमने देखिए हर्डल्स यहाँ पर बहुत ज्यादा रहते हैं बट उसके बाद ये हर, कुछ टाइम साइडवेज चलने का शेयर देखिए भागता भी अच्छा खासा है और एक ही बारी में आपको जितना आपने वेट किया होता है उसके बेहतरीन रिटर्न आपको देता हुआ दिखाई देता है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जब ये पेंडेमिक आया था ओके okay, उसी के आसपास ये शेयर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ आज की डेट तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये शेयर दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट्स देख सकते हैं सेल्स सैंतालीस करोड़ की सेल्स थी फिर उसके बाद पर कंटिन्यूटी के साथ बढ़ती गई यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट होती हुई दिखाई दी यहाँ पैंडमिक का असर था फिर दोबारा यहाँ पर कंपनी ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है एंड यहाँ पर देखिए जीरो करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर फोर्टी फोर करोड़ के प्रॉफिट में बीच बीच में जब इनकी सेल्स

करोड़ लगे हुए हैं। कैश की बात करें एक सौ बाईस करोड़ का कैश है और जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है और यहाँ पर देखिए आर बेहतरीन चल रही थी बट यहाँ पैंडमिक आया तो पैंडमिक ने इनकी थोड़ी सी पिटाई करी है अच्छी खासी बट ये दोबारा जब भागेंगे तो इसी तरीके के रिटर्न देते हुए नजर आएंगे <coughs> प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें

शेयर अच्छा खासा है बेहतरीन यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है शेयर यहाँ पर एक सपोर्ट पर बना रखा है ज्यादा ऊपर नहीं चल रहा है और देखिए बीच में यहाँ पर स्टॉक्स दो बार ऊपर भी गया उसके बाद यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर देखिए अगर हम देखे एक अच्छी तरीके से तो यहाँ पर एक कप और यहाँ पर एक हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है इस तरीके का भी आप चार्ट बना के देख सकते हैं अदरवाइज यहां पर भी इस तरीके की पैटर्न बट मैं इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा मैं बात करूंगा सिंपली इसका जो अभी का हाई था फिफ्टी टू वी की भी बात नहीं कर रहा हूँ या तो इसे कंसीडर कर लीजिए अट्ठाईस सौ निन्यानवे लगभग पच्चीस छब्बीस परसेंट के यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नजर आते हैं है। जो कि मुझे लगता है आज की डेट में देखिए थोड़ा सा शेयर भाग भी था फिर नीचे आता हुआ दिखाई दिया तो यहाँ पर इस रेंज तक ये शेयर इजिली पहुंच सकता है तो इसकी तरफ नजरें बना के रख सकते हैं <coughs> इसके अलावा हम बात करते हैं एक और स्टॉक्स के से रिलेटेड तो वो स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक जब नीचे आया था मैं आपको बताने की कोशिश सोच रहा था बट बार बार माइंड से स्किप हो रहा था बट आज अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए वर्ल एक बड़ा ब्रांड है बड़ा नाम है ओके बचपन से ही हम यहाँ पर वल्फूल के नाम सुनते आ रहे हैं वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन माइक्रोवेव मतलब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स ये बनाता हुआ नजर आता है एंड अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर सर्विस टू वर्ल्फुलपोरेशन यू एस एंड अदर ग्रुप कंपनीज में यहाँ पर ये अगर देखें कंपनी ऑल्स प्रोवाइड सर्विस इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट

डेट की बात करें पच्चीस परसेंट का डेट है कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है और अगर हम यहाँ पर कुछ चीज जाते हैं इसका एक बार चार्ट चार्ट लॉन्ग टर्म पैटर्न आपको दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा कंपनी देखिए बीच में हर्डर्स जरूर आते हैं बट कंपनी का डायरेक्शन है वो केवल हमेशा ऊपर वाली है इसके अलावा हम बात करते हैं क्वालिटी इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तो कंपनी के देखिए रिजल्ट अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए और पिछले दो क्वार्टर में अच्छे खासे बेहतरीन परफॉर्मेंस नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी हाइएस्ट है आती हुई दिखाई दी है ईयरली बेसिस पर बात करें तो कंपनी नौ सौ करोड़ की सेल्स यहाँ पर 3500 करोड़ की सेल्स में तब्दील से की सेल्स थी, जो की में की से कम होती है बट कोई नहीं है उसी में आना पिछले बारह क्वार्टर का अगर नेट प्रॉफिट सोलह करोड़ का हो गया है जो की धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा रिजर्व देखे पंद्रह सौ सत्तर करोड़ के रिजर्व है बोरिंग की बात करें तीन सौ नया करोड़ की बॉरिंग भी है वर्किंग को प्रोग्रेस में पर पैसे है इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है और कैश की बात करें दो सौ नब्बे करोड़ रुपए का कंपनी के पास कैश भी है इसके बाद अगर हम बात करते हैं देखिए अच्छा खास चल रहा था बट यहाँ पर में की 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 वजह से आरोसी इनका कम होता हुआ दिखाई दिया होल्डिंग है एफ ने हिस्सेदारी बढ़ाई है डी की बात करें उनके पास हिस्सेदारी अच्छी खासी है और यहाँ पर पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास भी चौबीस की हिस्सेदारी दिखाई दी है बट चौबीस में से भी है बड़े बड़े लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर इन शेयरों की तरफ भी नजरें बना के रख सकते हैं अंबर इंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो अंबर इंटरप्राइज़ेज आपके सामने हैं ऑल टाइम हाई यहाँ पर बनाया था इसने उसके बाद शेयर देखिए यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया अच्छा खासा उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर भागा था फिर यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट हुई तो ये शेयर फिर गिरावट हुई में आया और दोबारा एक यही रो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर दोबारा इस, इसे तो यहाँ पर क्रॉस कर दिया है इसने और और ऊपर जाने की ये कोशिश कर रहा है और यहाँ पर ये यह शेयर का अगर बात करूं तो एक बार ये लेवल यहाँ पर क्रॉस हुआ जो कि मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये शेयर और भागता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा तो अंबर इंटरप्राइजेस की तरफ यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके अलावा हम एक और स्टॉक से रिलेटेड बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिम्फनी की सिम्फनी की अगर हम बात करें तो आपको बताना चाहता हूं 59% रेवेन्यू उनकी इंडिया से आती है बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आती है और ये लार्जेस्ट एयर कूलर है मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड के अगो 97% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ एयर कूलर तो देखिए कमर्शियल इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल पर इंडस्ट्रीज में वर्ल्ड कैपर आठ स्मॉल कैप कंपनी है डेट की, की बात करेंट का डेट भी है कोई यहां पर शेयर प्लेज नहीं है इसके अलावा हम इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न तो आपको पता चलेगी यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न तो बीच में हर्डल्स आते रहते हैं इनका ये जो बिजनेस है वो थोड़ा सा सीजनल है इस वजह से बट इसके बाद जब ये, तो ये अच्छी खासी ये ये बढ़ती हुई नजर आ रही थीडेमिक गिरावट हुई फिर दोबारा देखिए कंपनी की अच्छी खासी सेल्स आई थी बट यहाँ पर फिर लॉकडाउन हुआ तो यहाँ पर गिरावट हुई कब नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के हाइएस्ट लेवल नेट प्रॉफिट आया था इससे पहले और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे कंपनी ने

तो अगर हम यहाँ पर इसे लेके चलते हैं तो लगभग लगभग ये शेयर भी देखिए 35, 35 अभी जो रिसेंट इसने हाई बनाया था ओके उससे यहाँ पर गिर चुका है और एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ पर इस शेयर में पर्टिकुलर शेयर में यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है ऑल टाइम हाई और जो इसके टारगेट नजर आ रहे हैं जो कि हमने एक बार वीडियो भी बनाई थी और आपको बताया भी था जो कि इसका एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो एक बेहतरीन यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा सॉरी देखिए यहाँ पर एक कप बना रहा है कप बना के एक बड़ा सा हैंडल और ऊपर निकलेगा तो देखिए इसके जो टारगेट आएंगे ना वो सत्ताइस सौ यहाँ पर इक्कीस सौ तो निकालेंगे लिए इसे तो निकालेंगे पंद्रह सौ फिर उसके बाद इक्कीस सौ भी निकालेंगे थोड़ा सा टाइम देना होगा बस आपको और आपको यहाँ पर पैसा फिर दोबारा डबल होता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर ये यह स्टॉक्स मल्टी स्टॉक्स रहे ध्यान दीजिए इसके अलावा हम यहाँ पर एक और स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे ये

आर ओसी है बहुत कम प्राइस पे यहाँ पर मिल रहा है और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम यहाँ पर देखे तो देखिए बीच में हर्डल्स आते रहते हैं शेयर में बट ये शेयर एक मल्टी है और ऑटो एनसीलरीज यहाँ के शेयर यहाँ पर ऑलरेडी भागते हुए दिखाई देंगे ईवी का सीजन है ओके okay, ईवी बेशक से यहाँ पर ईवी में देखिए क्या हो सकता है बैटरी चेंज हो सकती है okay, ओके ऑयल की जगह यहाँ पर हम बैटरी यूज करेंगे बट हमें टायर तो यूज करने पड़ेंगे बिना टायर के यहाँ पर कुछ भी नहीं होना और ये जब और सारी की सारी जब कार्स चेंज होगी जब यहाँ पर पेट्रोल से यहाँ पर आ, बात आ, करेंगे ईवी आएंगी तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है सारी की सारी नई कार आएंगी और सारी की सारी नई कार आएंगी तो सब में एक नया टायर लगेंगे एक कार बिकती है बट चार टायर यूज होते हैं और प्लस में स्टेपनी ओर ली जाती है तो इस बात को याद रखिएगा ये शुरू भगता हुआ दिखा

ये है ही है फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर शायद एक शेयर और भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो इनकी तरफ बना के रखिए ये अच्छे लेवल पर आपको शेयर मिल मिल okay, मिल रहे 50 के मिल रहे रहे हैं 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 ओके डीएमए डीएमए के के आसपास आसपास कोई सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है बट थोड़ा सा जस्ट बिकॉज स्मॉल कैप है एज वेल एज बहुत ज्यादा ये शेयर चल भी लिया है चार सौ रुपए का शेयर यहाँ पर डबल हो गया है तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है एंड नथिंग एल्स बात करें अच्छे खास सपोर्ट पे देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट है है। ये सारे शेयर अच्छे सपोर्ट ट्रेड कर रहे हैं जब ये रिटर्न देना शुरू करेंगे भागेंगे तो मल्टी बैगर रिटर्न देंगे और आपका पोर्टफोलियो आपका अच्छा खासा हरा भरा रहता हुआ दिखाई देगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। so,